हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं साधोपुर रेवा कैंप में। तो मेरा था पहले से प्लान कि हम जो न्यू ईयर है कैंपिंग करने जाएं, मैं, मेरी दो दोस्त, हम तीन लोग जा रहे हैं। एंड मैं हो गई हूँ रेडी और आज मैंने फर्स्ट टाइम एक ड्रेस पहनी है और मैं अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोगों को लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं खुद को तो बहुत ही अच्छी लग रही हूँ और मुझे लगता है कि अपने आप को कॉम्प्लीमेंट हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले खुद को करना चाहिए, फिर लोगों से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी होगी हूँ मैं रेडी बिल्कुल और रूम से निकल रहे हैं मैं, मेरी फ्रेंड अनु कंवर और मेरी एक फ्रेंड वैशाली। वो दोनों को आप जानते हो। अनु मेरे साथ ही है, वैशाली हम मार्केट में मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना। आई एम सो 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 एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। बस आप लोग हम कैसे मस्ती करते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा व्लॉग में जरूर देखना। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा जो 2020-22 है वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया है मुझे। आगे भी इसी तरीके से करते रहिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड अब चलो सीधा चलते हैं साधोपुर रेवा कैंप। वैशाली अभी आई नहीं है तो हमको ना आज गाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं, हमको बस में जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर हम वैशाली का यहीं पर ही वेट करते हैं। और अभी यहाँ आते वक्त मुझे मेरी बहुत ही क्यूट सी एक सब्सक्राइबर मिली और बहुत प्यारी सी थी, तो उसका मैंने पिक खींची है, वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो अभी हम थोड़ी देर धूप में बैठ के वैशाली का वेट करते हैं। तो वैशाली को आने में अभी टाइम है, तब तक मैं और जाके कुछ खा लेते हैं। वैसे भूख भी लग रही थी। आ गए हैं यहाँ पे, एक नई जगह है क्रेजी बाइक्स में। मैं पहली बार आई हूँ जगह, मेरे को पता नहीं था कि बस स्टैंड के पास भी ऐसी कोई जगह है। तो मैंने ना अभी चंडीगढ़ में मलाई चाप खाया था और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला मलाई चाप का। तो हमने मलाई चाप और साथ में कॉफ़ी ऑर्डर, और हमारी कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी चीयर्स अनु। तो वैशाली भी आ गई, हम इसका वेट कर रहे थे, तो ये भी आ गई। अब हमारे को लेनी है बस, क्योंकि थोड़ी देर हमने वेट किया, खाया पिया, तो बस चलेगी हमारी। कभी हमें दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा। ये बस जाएगी चाय के लिए है बस, जो जाएगी यहाँ से 3:30 बजे साधुपुर। पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेगी, हाँ तक एक 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:22, तो लगभग लगभग 4:15 बजे तक ही पहुँचेंगे हम। अरे एक्साइटेड। और हमारी पीस भी चाहती वहाँ परे बैठी है, क्योंकि ये वाली जो सीट है वो 2 सीट रह फ्री होता तो अच्छा था। अनु भाई मस्त बिल्कुल अपने फ़ोन में, कोई परवाह नहीं, इसको हम बुला रहे नहीं बुला रहे। अनु आप जाके देखा बंदी के पास 100 रुपये है किराया, किराया इसको पता नहीं कितने लेंगे, बस 100 रुपये लेके बैठी है। बोलती किराया मतलब किराया, एक ही आदमी गए ये ये बोलना चाहिए। हम दोनों के पास नहीं है ये दारी की, तुम भी रखो, मेरे पास किराया है। इतना गोली नहीं लूँगी, इतना गोली नहीं, थैंक यू भैया। तो हमारी बस सब निकल चुके थे अपने सफर में। इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती, और साथ में ऐसे बंदे मिल जाए तो खुशी डबल ट्रिपल हो जाती है। और अभी हमारी बस रुकी है कंडा घाट में, आई थिंक 5 से 7 मिनट रुकेगी। भैया कितनी देर रुकेगी, 10-15 मिनट जगह 5-7 10-15 मिनट रुकेगी। क्या करें, कुछ नहीं, वो मुझे क्या दिखा नोटिस किया कुछ आपने, मैंने तो ये पूरे बस में अभी देखा। वाह
एंगर देखो, नहीं गंदी वाली स्माइल है इसकी। काफ़ी देर इंतजार करने पर फाइनली हमारी बस निकल पड़ी है, और तो मुझे लगता है अभी और हमारे को आधा घंटा लग जाएगा। 4:28 तो यहीं पर ही हो गए, अब तो हम 5 बजे पहुँचेंगे। प्लीज़ भगवान करे तब तक अंधेरा ना हो, क्योंकि कुछ जो विजुअल है वो अगर रोशनी में आए तो अच्छा लगता है, क्योंकि जिस कैंप में हम जा रहे हैं वो जैसा फ़ोटो भेजा था उससे तो बहुत सुंदर लग रहा था, और मैं चाहती थी कि मैं अपने आप से भी देखूँ और दिखाऊँ। अंधेरा हो जाए तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो लेट्स सी हमें यहाँ से वहाँ तक कितना टाइम लगता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे साधुपुल, और अभी हमें हमारा कैंप ढूंढना है। पता नहीं वो कहाँ जैसा है, उसने बोला था कि फ़ोन कर लेना या पता कर लेना। रेवा बर्गर हाउस तो दिख रहा है, हमको जाना है रेवा कैंप में, किस तरह है मुझे नहीं पता। सो हैप्पी, ये मेरी गैंग कितनी खुशी हो रही है मुझे। तो मैंने पिछले साल सोचा था कि हम लोग ना साधुपुल आएंगे, और इस बार हमारा वो वाला ड्रीम पूरा हो रहा है। ठंड भी नहीं लग रही है यार, बाकी तो हमने तो खुशी में ये है हमारा कैंप जहाँ पे हम स्टे करेंगे। और अब जो है सब जगह जितने भी यहाँ कैंप्स हैं वहाँ सारे में डीजे लग चुका है। जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे तो इतनी लाइटिंग है ना, इतना सुंदर लग रहा है। और जहाँ यहाँ नीचे एक गोल जैसा बैठने की जगह है कसम से, वाह मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ वैसे न्यू ईयर ईव पे। हर जगह गाने लग रहे, वाह ये कितनी सुंदर जगह है, और साथ में बह रही है ये छोटी सी नदी। कितना अमेजिंग लग रहा है देखो, दिखाई लेते हैं यार अपने आप को।
शक्ल ज्यादा अपनी ड्रेस अच्छी लग रही है। ये देखो, ये देखो कैसी लाइट आ रही है। अभी हम ऐसे नाचेंगे ना, फिर ऐसे ऐसे चमकेगी। तो भूल गए थे, तो हमने यहीं से ही जो सादापुर में मार्केट थी वहाँ से पेस्ट्री उठा लिए। दो केक तो मिला नहीं, उसी को काटेंगे। न्यू ईयर का पेस्ट्री केक। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि हमारा जो 2022 भी बहुत अच्छा गया था, उसी तरह हमारा 2023 भी उससे भी और अच्छा जाए। और आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच। और चलो कुक करो सारे के सारे।